नहीं अच्छी तो छोड़ो, ये बताओ ना बुरी कितनी लग रही है। अब और पता नहीं कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, मुझे अभी पता नहीं। पापा के दिमाग का कुछ भी भाई, मैं पापा से पूछ भी नहीं सकता कि पापा क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे। Hey guys, welcome back to the vlog। और आज है 21 जनवरी और सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। मम्मी पापा और बहन गए हैं आज एक शादी में और मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया है क्योंकि घर की रखवाली भी भाई करनी जरूरी है। स्पेशली कहकर गए हैं कि घर से बाहर मत जाइयो। अब कहकर तो ये गए हैं कि 3 या 4 बजे तक आएंगे, बट मुझे पता ही लेट कर देंगे आने में। अब बाहर जाने के लिए मना कर ही दिया है, तो फटाफट से मैं जो मेरा काम रह रहा है व्लॉग भी अपलोड होने वाला है और एक फैक्ट की वीडियो भी तैयार कर लेता हूँ, उसे भी अपलोड कर दूंगा। सो फटाफट से एडिटिंग में लगता हूँ और उसके बाद करेंगे बाकी के काम। Hey guys, तो वीडियो की एडिटिंग कम्प्लीट हो गई थी और मैंने वो अपलोड कर दिया फैक्ट्स वाले चैनल पर। मैं फिलहाल आ गया था छत पर क्योंकि मुझे नीचे ठंड लग रही थी यार, और दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार पहले नहाऊं या पहले खाऊं। मम्मी मेरे लिए अंडे लेके आ गई थी कि जब भूख लगे कुछ बनाकर खा लियो, ऑमलेट या फिर बॉइल करके खा लियो। अब मैं सोच रहा हूँ पहले नहा लूं क्योंकि देखो मेरी शक्ल बहुत बेकार हो रही है यार, शक्ल से या फिर ये कहोगे कि यार अच्छे नहीं लग रहे या कुछ भी। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले नहा लूं, उसके बाद कुछ बनाऊंगा अपने लिए, ऑमलेट या फिर भुर्जी उर्जी जो भी बनानी होगी। तो सबसे पहले नहाने की तैयारी करते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी के काम। हे गाइस, तो मैं नहा धोकर भाई रेडी तो हो गया। अब काम बच रहा है सिर्फ एग का कुछ बनाने का, यानी ऑमलेट या फिर जो भी मैं बनाऊंगा अब आपको पता लग जाएगा। भाई देखो अंडे तो ये रहे, अंडे तो हैं, मैं एक बार गिन लेता हूँ है कितने अंडे। 6, 7, 8 8 अंडे का मैं क्या बना सकता हूँ, 8 अंडों की ऑमलेट बनाकर देखता हूँ अगर बन जाएगी तो। वैसे यार ऑमलेट मैंने काफी टाइम से बनाई नहीं है, भूल ना गया हूँ मैं। वैसे याद है मुझे, ऑलमोस्ट याद है भाई। ऑमलेट बनाएंगे और खाएंगे किस चीज से, जैम से खाएंगे। जैम भाई घर पे तो हमारे है नहीं, तो मुझे बाहर जाकर जैम भी लानी पड़ेगी। बट यार मैं शॉर्ट्स में हूँ, अब मुझे लोअर पहनना पड़ेगा, ये दिक्कत है बस, मुझे इसलिए गुस्सा आता है यार। तो यार लोअर तो डाल लिया है मैंने, अब फटाफट से चलते हैं बाहर और लेके आते हैं जैम। अंकल जी वो मिल जाएगा जैम, जैम के पाउच इन पे तो है नहीं, दूसरी दुकान पर जाना पड़ेगा। अंकल जी जैम मिल जाएगा, जैम जैम के पाउच दे देना। तो जैम के पैकेट तो मैं लेके आ गया और अब भाई इनका इंतजाम करना है। ये अंडे ये मुझे पहले फोड़ने हैं, उसके बाद इनका भाई प्याज वगैरह काटनी पड़ेगी सारे, मतलब मिक्स करने के बाद ऑमलेट बनाऊंगा जल्दी से क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है भाई। तो फटाफट से ऑमलेट बनाने की तैयारी करते हैं पहले। यार तवा कहाँ है ये, पूरी बनाएंगे, ये नॉन स्टिक है ना। सात अंडों की 5 ऑमलेट बनी है, मैंने इसमें ब्रेड भी लगा लिए और भाई बढ़िया लग रही है। फटाफट से मैंने फिनिश कर लेता हूँ, एक बार देखोगे कैसी लग रही है। ये है जैम और ये है ऑमलेट, सो फटाफट से खा लेता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी यार इतनी अच्छी बन जाएंगी, बट भाई उधेड़ दी मैंने। ये 5 लाया था मैं जैम के पैकेट, 5 खा गया और ऑमलेट भी सारी खत्म कर दी। अब चलते हैं एक बार ऊपर, देखते हैं कि आज खुदाई वाले भैया ने कितना काम करा है। आज वो तो आए नहीं है भाई, हमारे जो ओमपाल जी है हमारे वो तो आए नहीं भाई, आज कोई और आया था उनके साथ का। भाई मेरी नाक बंद है, अगर आवाज में दिक्कत आ रही हो तो माफी चाहूंगा उसके लिए। यहाँ तो ये तो कल का काम है ना, ये तो सब कल का काम है। ऊपर चलते हैं ऊपर भाई, छत ऐसी हो रही है जैसे स्टोर रूम। क्या हाल हो रहा है छत का, आज ये सारी दीवारें करी है ऊपर की जितनी भी दिख रही है ना ये। अब और पता नहीं कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, मुझे अभी पता नहीं। पापा के दिमाग का कुछ भी भाई, मैं पापा से पूछ भी नहीं सकता कि पापा क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे, क्योंकि आप सभी को पता है मैं पापा जी से खुला हुआ नहीं हूं। ये है झालर, ये दिवाली के टाइम पर हमने नीचे लटकाई थी यहाँ से सजाने के लिए, मतलब जैसे दुल्हन की तरह सजाते हैं ना घर को। और भाई जब से उतार के ये यही रखी है, यहाँ से नीचे ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की भी। 5:41 हो रही है, घर वाले अभी तक घर पर आए नहीं है। मैं एक बार फोन करके पूछता हूँ कि भैया मुझे बाहर बाहर जाना है यार, व्लॉग बना के आने हैं, घूमना फिरना भी तो है। तो बहन को कॉल करी अभी, मैंने पूछा कहाँ रह गए आनी रे, उसने कहा कि रास्ते में है आ लिए बस। मैंने पूछा जगह का नाम तो होगा, किस जगह हो, कहती है गढ़। और गढ़ से भाई हमारे घर आने में पता कितना टाइम लगता है, पूरा 1 घंटा। 5:45 हो रही है, यानी कि ये लगभग 6:45 या फिर
मेरे 7 बजे तक घर में आके लगेंगे। क्या करूंगा मैं घर में रहकर इतने? अगर कहीं का प्लान बनता है तो मैं निकल लूंगा, और अगर नहीं बनता है तो वेट कर लूंगा उनके आने तक का। खैर कह दी उन्होंने, परमिशन तो दे दी, अगर तो जाना तो जा, बट गाली के वे में कहा है, ताना सा मारा ताना सा कि जा चला जा यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। चलो जैसे भी अब देखते हैं। तो गाइज ये आ गई है घर पर, 7:11 पर आकर बढ़िया घर में। मैंने आपसे कहा था ना 7 बजे से ऊपर आएंगी, पता नहीं वहाँ से मांग मूंग के हलवा लिए होंगे गाजर का। ओहो तू क्या हो रही है, इससे भी तो मिलो गाइज, ये तो उड़नपरी हो रही है। कमेंट सेक्शन में बताना, झूठ मत बोलना, कितनी बुरी लग रही है। नहीं अच्छी तो छोड़ो, ये बताना बुरी कितनी लग रही है, इतनी गंदी लग रही है यार। तो क्यों दिखा रहा है फिर? तो जरा निकलते हैं बाहर के लिए, और मेरा मन कुछ खाने का कर रहा है यार, बाहर का बेकार चीज नहीं, बाहर की भी कुछ अच्छी चीज खाऊंगा मैं। सो आज काफी दिन के बाद पापा ने फिर से मंगाए हैं सेडलेक्स, अब सेडलेक्स भी लाने हैं। टोपा टोपे के लिए भाई, बिना टोपे के बाहर नहीं जान देते मुझे, अब टोपे में हमारे बाल बिगड़ते हैं, वरना मैं टोपे पहन लूं। सच में बहुत ठंड हो रही है आज, और भाई साहब पुलिस की चेकिंग, मेरे चालान तो ना काट दी, इसे बचकर निकलना पड़ता है भाई, चालान काट सकते हैं भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कैल्शियम की कमी आ रही है, तो कैल्शियम का इंजेक्शन लगाऊंगा मैं कल भाई। एक तो मेरी नाक यार बंद हो गई, और कुछ तो जुकाम से पहले बंद थी, और ये बाहर निकलाऊं ना तो ठंड से और बंद हो गई। ओबे यार बोला भी नहीं जा रहा ढंग से। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर अगर मैं गिर गया तो इसका मीटर खराब हो रहा है यार स्कूटी का, अगर इसका मीटर सही होता तो कितना मजा आता। रेस दो और स्पीड चेक करो, जिसकी मुझे तलाश है वो है कहां। मुझे ऐसा लग रहा है भाई ठेला ही नहीं है आज। लो यार एक और दिक्कत हो गई भाई, देखो सच बताओ ना, मैं पता क्या लेने आया था यहाँ पे, इधर एक साइड में, इधर यहाँ पर बिल्कुल एक सोयाबीन बनाता है, बहुत अच्छी सोयाबीन बनाता है, और मेरा मन था यार सुबह से ही आज कि आज शाम को सोयाबीन खाऊंगा उसकी। ये अंकली क्यों देख रहे हैं मुझे, रुक रुक के। इस टाइम शायद वो चला गया होगा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है ना, सारी दुकानें तो बंद हो गई, वो ठेला वाला क्यों रुकता है यहाँ पे बेचारा। चलो कोई बात नहीं यार, कल खाऊंगा अब तो, अब फिलहाल घर चलता हूँ सीधा। थोड़ी सी देर को घर से बाहर निकला था, मम्मी के दबा दो फोन की तेरे पापा इंतजार कर रहे हैं सेडलेक्स का, जो मैं सेडलेक्स लेने गया था ना। हे गाइस, तो पता है मैं दुकान पे ऐसे क्या लेके आया था, मैं भी दिखाता हूँ यार। देखो मैं लेके आया था, अबे कहाँ है, एक मिनट रुक जाओ भाई, बस एक पतंजलि की शिलाजीत आती है भाई, पता नहीं प्योर है या नहीं है, बट मैं काफी टाइम से इसे यूज कर रहा हूँ। मैं जिम जाने से पहले भी ले लेता हूँ, और अब सोते टाइम लेता हूँ इसे। जिम जाने से पहले मैं इसे गर्म पानी में घोल कर पी जाता हूँ भाई, शरीर को ऐसा कर देती है एकदम से गर्म गर्म सा कर देती है, मतलब जैसे लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, हम भाई शिलाजीत लेते हैं, देसी लोग है ना। तो एक डिब्बी में पहले खा चुका हूँ और एक ये रखी, और मैंने सोच लिया अबसे कि रात को व्लॉग एडिट करके सोऊंगा, और सुबह 9 या 10 बजे तक व्लॉग अपलोड कर दूंगा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ शायद, चलो छोड़ो इतनी बड़ी बात नहीं बोलता, पर कोशिश करूंगा 9-10 बजे तक व्लॉग आ जाए करे डेली। सो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।